व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे एसएसडी की। तो एसएसडी क्यों हमने ख़रीदनी पड़ी? बहुत तो हम काफ़ी समय से हार्ड ड्राइव यूज करते थे, तो हार्ड ड्राइव से एसएसडी का जो चेंज है वो हार्ड ड्राइव वालों के लिए बहुत ही बड़ा चेंज हो जाता है, क्योंकि हार्ड ड्राइव यूज़ करते हुए काफ़ी आपको प्रॉब्लम आ रही हैं, क्योंकि विंडोज़ 11 जो है काफ़ी हैवी यूज़ करता है, हार्ड ड्राइव का काफ़ी ज़्यादा सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बाकी पार्ट्स ऑफ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क करते थे, पर हार्ड ड्राइव के काफ़ी सारे यूज़ उसमें नहीं हो सकते थे। सो जल्दी से एसएसडी की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो एसएसडी इस बॉक्स में और एसएसडी 8 के प्रोडक्ट में लुक्स भी वाइज में बहुत ही इम्प्रूवमेंट होती है। बाकी एसएसडी ब्लैक कलर में होती है, इसकी बड़ी अच्छी तरीके से कलर कॉम्बिनेशन है। सो अगर आपका ओपन कैबिनेट है जिसमें मिरर लगा है तो काफ़ी अच्छी दिखेगी उसमें भी एसएसडी। सो इसकी परफॉर्मेंस में के बारे में भी बहुत अच्छी है। सो फटाफट इसको इंस्टॉल कर लिया था हमने, तो काफ़ी हमने इसका यूज़ किया हार्ड ड्राइव का एसएसडी का। तो एसएसडी बूट टाइम आप देख सकते हैं विंडोज़ 11 को से कितने समय में बूट करती है। हार्ड ड्राइव के मामले में हार्ड ड्राइव 2-3 मिनट आराम से ले लेती है। सो इसकी देखते हैं कितने सेकंड में ये बूट करती है। सो बूट होगी, बस वेलकम स्क्रीन तो इसने बड़ी जल्दी ओ तो 27 सेकंड विंडोज़ बूट हो जाती है। प्रीमियम प्रो खोल के देते हैं, हाँ 17 सेकंड में ये बहुत ही जल्दी काम कर रही है हार्ड ड्राइव के मामले में। अगर आप हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो आप अगर एसएसडी कोई भी कंपनी का ले लेते हैं तो आपको बहुत ही बड़ा इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो इसके अलावा अगर टेस्टिंग हमने की, इसकी रीड राइट स्पीड आपको दिखा देते हैं। इसकी रीड स्पीड आप देख सकते हैं 550-560 इसकी रीड स्पीड आई, और 500-580 kbps इसकी राइट स्पीड हुई। तो जैसा कंपनी क्लेम करती है उतनी ही लगभग पूरा स्पीड इसकी मिलती है हमको। एडिटिंग में भी स्पीड हार्ड ड्राइव की काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में आप वीडियो को फुटेज अगर प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आपको हार्ड ड्राइव की स्पीड काफ़ी चाहिए होगी, तो आप उसका बड़ी ही स्मूथली प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं आपको परेशानी है, एडिटिंग में भी स्पीड हार्ड ड्राइव की काफ़ी मैटर करती है, क्योंकि वीडियो एडिटिंग में आप वीडियो को फुटेज अगर प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो आपको हार्ड ड्राइव की स्पीड काफ़ी चाहिए होगी, तो आप उसका बड़ी ही स्मूथली प्रीव्यू देख सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं आपको परेशानी आती है आपके पास हार्ड ड्राइव है, तो आप एसएसडी में अपग्रेड यूज करें आपकी वीडियो एडिटिंग। और अगर आप काफ़ी यूज़ करते हैं पीसी का गेम्स, और इसकी परफॉर्मेंस हार्ड ड्राइव के मुकाबले काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, तो आप इसको ले सकते हैं एसएसडी को। आज के ज़माने में एसएसडी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है पीसी के लिए, क्योंकि आप विंडोज़ 7 से 11 तक काफ़ी इंक्रीज हुआ है। सो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर में चेंज हुए हैं, तो हार्ड ड्राइव में हमें चेंज कर। सो विंडोज़ 11 को बूटिंग टाइम इसका 27 सेकेंड आपको मिल जाता है। सो रीड स्पीड इसकी 558 MB और राइट स्पीड 502 MB आपको मिल जाती है। काफ़ी आराम से आपको यूज कर सकते हैं इसका, काफ़ी आराम से आप इसका यूज़ कर पाएंगे लाइफ टाइम में, और इसकी गारंटी 3 साल की वारंटी मिल जाती है आपको। सो आप डेफिनेटली ट्राई करें, अगर आपके पास हार्ड ड्राइव है तो आप अपग्रेड करना चाहते हैं अपने पीसी की परफॉर्मेंस को, तो आप बिल्कुल एसएसडी को बाय कर सकते हैं। 8 E-Sports की काफ़ी कम कीमत आती है, मतलब कम से भी कम प्राइस वाले आने वाली है एसएसडी में से ही एक है। 160 रुपये में आपको अमेजोन पे ये अवेलेबल है। सो आप 8 E-Sports की एसएसडी के बारे में और जाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बाय लिंक से जानकारी ले सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आप इंटरेस्टिंग ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए।